एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ प्याज टमाटर की चटनी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्याज टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। टमाटर, हरी मिर्ची, करी पत्ता, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा, तेल, प्याज, लहसुन। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने एक पैन को चढ़ा दिया है और पैन अब हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज किया है। सरसों के तेल से चटनी बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसमें जीरा डाल रहे हैं, करी पत्ता, लहसुन, इन सभी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे, इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं, प्याज को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं और अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, इन सभी को मिक्स कर देते हैं। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, ये झटपट बन जाती है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा बना है। इसे आप पराठा या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब हमारा चटनी जो है वो तैयार हो चुका है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।